हम इस धरती पर क्यों आए हैं? कुदरत ने हमें इस धरती पर किस काम के लिए भेजा है? हमारी लाइफ का पर्पस क्या है? चाहे आपने कितनी भी लंबी उम्र जी ली हो, 50 साल, 60 साल या 20 साल, 25 साल, आपने अपने जीवन के जितने भी साल जिए हों, अगर आप उन्हें गौर से देखेंगे तो आप इजीली अपना लाइफ का पर्पस पहचान पाएंगे। अब ये जो लाइफ का पर्पस है, ये अलग अलग तरह से हमारे सामने आता है। कुछ केस में ये बहुत डिफिकल्ट तरीके से हमारे सामने आता है और कुछ में बहुत इजी तरीके से हमारे सामने आ जाता है। जैसे अधिकतर मामलों में ये देखा जाता है कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी मुश्किल से होकर गुजरे हैं, वो मुश्किल कैसी भी हो सकती है, जिसको आपने जीता है या उसे जीतने की कोशिशों में लगे हुए हैं, स्ट्रगल है, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो धन हो, चाहे वो आपकी मानसिक शांति हो, चाहे वो आपको शारीरिक रूप से आपने अपने आप को सुधारना हो, या आप अध्यात्म को समझते हुए मन की शांति की ओर चल रहे हो, कुछ भी लाइफ की स्ट्रगल जिसमें आपने कुछ अचीव कर लिया है और आप आगे अचीव करते जा रहे हैं, कुछ लाइफ की स्ट्रगल जो आपको दूसरों से अलग बनाती है, जो आपकी लाइफ में है और आप उसे झेलते हुए, जीतते हुए उसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये आपकी लाइफ का पर्पस हो सकता है। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं, वैसे ये हर एंगल से होता है, चाहे वो भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, मन से जुड़ा हुआ हो, कुछ भी हो। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को कैंसर है या उसके किसी प्रियजन को कैंसर था जिसको उसने खो दिया, और वो कैंसर पेशेंट की क्या स्ट्रगल होती है, कैसे वो उसको झेलते हैं, कैसे जो उनके फैमिली मेंबर हैं वो इन चीज़ों को झेलते हैं, इनसे बाहर निकलते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, आप इन चीज़ों को समझते हैं और दूसरों की, क्योंकि आपने झेला है इसलिए आपको लगता है कि मैं इस मामले में दूसरों की मदद करने में सक्षम हूँ, और आप दूसरों की मदद करते हैं, और ये मदद ऐसी होती है कि आपको अच्छा भी लग रहा है करके, आपको कि मैंने कुछ पॉजिटिव ऐड कर दिया किसी की लाइफ में, मेरी वजह से कुछ अच्छा हो गया किसी की लाइफ में, ये वाली एक फीलिंग भी आपको आती है। तो यही आपका लाइफ का पर्पस है। अब ये आप ढूंढिए कि आपने अपनी लाइफ में किस चीज में स्ट्रगल करी है और करते हुए आगे बढ़ते हुए आज आप लोगों को भी एक पॉजिटिविटी के साथ गाइड कर पाते हैं, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा ऐड करने में सक्षम हो गए हैं, वही आपकी लाइफ का पर्पस है। और एक इजी तरीका भी होता है कुदरत का। अब जैसा आपका सोल प्लान है, ये तो उस पर निर्भर करता है कि क्या आपके कार्मिक अकाउंट है, क्या आपके लाइफ लेसन है, क्या आपका सोल प्लान है, उस सब पर निर्भर करता है। लेकिन एक कुदरत का आपके लाइफ लेसन की, जो आपका लाइफ का पर्पस है, उसकी तरफ ले जाने का एक इजी तरीका भी होता है। इजी तरीका यानी आपको वो चीज बस यूं ही बड़े आसानी से मिल गई, कुदरतन, चलते चलते, चाहे आपके दिमाग में वो कार्य करना नहीं था, लेकिन यूं ही चलते चलते आपकी राह में वो मोड़ आने लगे कि आप उस कार्य की तरफ बढ़ने लगे, ना सिर्फ बढ़ने लगे बल्कि इजीली आपको आगे से आगे रास्ता दिखाई देने लगा। अब ये जो होता है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बिल्कुल ही आप उम्मीद भी नहीं करते, आपने कभी सोचा भी नहीं होता कि आप इस राह पर चलेंगे या आप ये काम करेंगे, लेकिन वो चीज ना सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी की तरह आपके सामने आ जाती है बल्कि उससे आगे के आगे रास्ते भी आपके सामने आने लगते हैं। आपको पता ही नहीं होता कि आप अगला स्टेप क्या उठाएंगे, लेकिन कुदरत आपको बता देती है। अब जो इस तरीके से अपने लाइफ के पर्पस तक पहुंचते हैं, वो आत्माएं हैं जो बस अनजाने में पहुंच जाती हैं, अनजाने में, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो इस पर्पस के लिए बनी हैं, लेकिन अनजाने में कुदरत माहौल ऐसे क्रिएट कर रही है, ऐसे मोड़ आ रहे हैं लाइफ में कि आप उस कार्य को ना सिर्फ करते जा रहे हैं बल्कि आगे से आगे और रास्ते निकल के आ रहे हैं। और हमारे लाइफ पर्पस का एक बहुत इजी तरीका भी होता है जिसमें ये कुदरत हमें हमारे लाइफ पर्पस तक लेकर जाती है। ये कम लोगों के साथ होता है, लेकिन होता है। कोई भी ऐसी विशेष कला
कुछ भी, चाहे वो लोगों के लिए लोगों को समझ में ना आती हो, लेकिन कुछ भी ऐसी विशेष कला जिसमें आप बचपन से पारंगत हैं, और वो ऐसी भी है कि वो समाज में आपके द्वारा कुछ अच्छा क्रिएट करने की वजह बन रही है, और उस कला को, उस कार्य को करने में आपको अच्छा भी बहुत लग रहा है। आपको जब आप उस काम को करते हैं तो आपको लगता है कि बस जो मुझे अच्छा फीलिंग जो मिल रही है ना, यही मेरा रिवार्ड है। आपको उसके एवज में ये भी नहीं होता कि कोई मुझे पैसे देगा या कोई मेरा नाम होगा, आपको कुछ नहीं, बस आपको अच्छा लग रहा है और आप करते चले जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसे बुजुर्गों के साथ समय व्यतीत करना अच्छा लग रहा है, उनसे बातें करके उनके लाइफ के एक्सपीरियंस जानना अच्छा लग रहा है, बुजुर्गों का सानिध्य उसे अच्छा लग रहा है, ना सिर्फ अच्छा मिल रहा है बल्कि उसकी मुलाकात भी ऐसे बुजुर्गों से हो रही है जो उसकी लाइफ में कुछ उसको अच्छा बता पा रहे हैं, पॉजिटिविटी ऐड कर पा रहे हैं, और आगे चलकर वही इंसान किसी ऐसे बड़े कार्य की वजह बन जाता है जो बुजुर्गों के कल्याण से जुड़ा हुआ हो। यहाँ मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। अब जिस व्यक्ति की मैं बात कर रही हूँ वो कोई बहुत बड़े स्तर पर कोई सेलिब्रेट नहीं है, वो एक सामान्य व्यक्ति है, लेकिन क्योंकि वो अपने लाइफ के पर्पस से जुड़े हुए हैं इसलिए अपनी लाइफ से संतुष्ट हैं, शांत हैं, खुश हैं, अपने काम से खुश हैं। वो हॉस्पिटल में मरीजों की सेवा करते हैं, का कार्य करते हैं, और जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि बचपन से ही, जब वो छोटे थे तब से ही उनके घर में बुजुर्ग रहे हैं जिनकी सेवा करने का माहौल उन्हें मिला है। न सिर्फ उनके बड़ों ने, घर में वातावरण ऐसा था, घर में बुजुर्ग थे, बल्कि बड़ों ने भी करी है, उनके सामने बड़ों का भी एग्जाम्पल रहा है, और खुद उन्होंने भी बचपन से अपने दादा दादी, अपने परदादा परदादी को भी देखा है, उनकी भी सेवा की है, उनको भी घर में बुजुर्ग लोग बहुत मिले हैं और उनके साथ उन्होंने बहुत एक लंबा अच्छा वक्त व्यतीत किया है, पूरा पूरा बचपन ही व्यतीत किया है। और वो ऐसी कोई प्लानिंग उनकी नहीं थी, कुछ और वो प्लान करके बैठे थे अपनी लाइफ के लिए, लेकिन जैसे लाइफ ने उनके लिए यही काम चूज किया हुआ था और बहुत इजीली बिना किसी खास एफर्ट के उन्हें एक हॉस्पिटल में जॉब मिल गई जहां उनका मुख्य कार्य है बुजुर्गों की देखभाल करने का ही है। और इन सबसे परे हटके भी एक बात कि वो अपने काम को काम की तरह नहीं कर रहे थे, उनको अपने काम में मजा आ रहा था, उनको वो अच्छा लग रहा था, और जो वहाँ बुजुर्ग पेशेंट थे उनके मुंह से भी बेशक था उनके लिए दुआएं निकल रही थी, क्योंकि जब वो सेवा करते थे या जब वो उनके लिए कुछ करते थे तो उन्हें ऐसा नहीं लगता था कि कोई पेड सर्विस वो ले रहे हैं, उन्हें लगता था कोई अपना उनकी देखभाल कर रहा है। अब यही था उस व्यक्ति का लाइफ पर्पस कि उसने किस तरीके से बुजुर्गों के कल्याण से जुड़ना था, बुजुर्गों की सेवा से जुड़ना था, उनके अनुभवों से अपनी लाइफ में कुछ ऐड करना था, जबकि उनकी आयु भी बहुत कम है। अभी तो उनकी आयु बहुत यंग है, तो आगे चलकर वो कहाँ तक पहुँचते हैं ये वक्त बताएगा। तो आप भी जब अपनी लाइफ में ये चीज़ें देखें तो इन्हें जब खंगालेंगे तो आप अपने लाइफ के पर्पस तक ईजिली पहुँच पाएंगे। और फिर भी अगर आपको आपका लाइफ पर्पस समझ नहीं आता तो रोज़ सुबह उठते हुए और रोज़ रात को सोते समय अपने मार्गदर्शक से एक छोटी सी प्रेयर कीजिए कि प्लीज़ मुझे मेरे लाइफ के मकसद तक हाथ पकड़ कर लेकर जाइए, मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अपनी गोदी में उठाइए और मुझे सही राह पर चलाइए। ये मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण दे रही हूँ, आप अपने शब्दों में अपने मार्गदर्शक से बात करते हुए अपना लाइफ का पर्पस उनसे पूछें। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा जैसे चौथा, तेरहवीं बरसी आदि पर शांति संदेश चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।